यह है हमारा Redmi का Note 10 Pro Pro Max वाला डिवाइस, जिसके लिए अभी फिलहाल चार्ली ओएस का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो कि रन कर रहा है 2.0.6 के स्टेबल वर्जन के ऊपर। बट इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है, कस्टमाइजेशन कैसा है, साथ साथ इसे यूज करना चाहिए या नहीं, और यूज करते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो इस रोम को यूज करते हुए। और गूगल ने 21 मई को काफ़ी बड़ा लोचा कर दिया है और इसका सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको जानना जरूरी है और वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला रोम के साथ, क्योंकि ये रोम के साथ आपको मे भी फेस करने को मिल सकता है या फिर नहीं भी मिलेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, और अच्छा लगता है तो यार लाइक कर देना और प्लीज शेयर जरूर करना। यहाँ पे हमारा स्मार्ट जो है AOD काम करता है, जो कि मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे डायनेमिक फीचर्स भी आपका वर्किंग है वॉलपेपर का, जहाँ पे आप देख सकते हो मैं AOD जो यूज कर रहा हूँ और जो वॉलपेपर है ये लाइव है जो कि जनरेटेड है। अगर मैं सेटिंग को ओपन एंड क्लोज करता हूँ तो काफ़ी इजीली यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो जाता है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे आते हैं अपने माई डिवाइस में, 2.0.6 आपको देखने को मिलता है हमारे मेंटेनर का नेम, साथ साथ यहाँ पे हम इनकरेक्ट डिटेल एंड इन्फो की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो कि हमारा एंड्रॉयड 15, साथ साथ 5 मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, और यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नल डिफरेंट यूज करा गया है। अगर हम बैक की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं, लेकिन हाँ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन की बात करें तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, आप जो भी नेटिव लैंग्वेज यूज करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं। बैटरी के अंदर आपका जो स्क्रीन ऑन टाइमिंग ऑफिशियली गायब कर दिया गया है वो यहाँ पे ऑन मिलता है, और अच्छा खासा मैंने यूज भी किया है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग है। डार्क मोड के अंदर बात करें इंडिविजुअल ऐप की तो ये आपका वर्किंग रहता है, इसमें दिक्कत नहीं आती। ऑटो ब्राइटनेस भी वर्किंग है, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह भी है, और रिफ्रेश रेट भी आपका वर्किंग है जहाँ पे 60, 90 और 120 दिया गया है। लेकिन सम टाइम जब भी आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करते हो आपका फ़ोन मे भी काफ़ी सुपर स्लो फील करा सकता है, तो ऐसे में बस रिफ्रेश रेट के ऊपर आओ, इसे 60 पे डालो और 120 पे वापस से कर दोगे, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आपको स्लो वाली फीलिंग आती है रिबूट के बाद। तो इस तरीके से ये चीज़ ठीक कर सकते हो। अनदर यहाँ पे जो कि हमारा एडवांस लॉन्चर प्रोवाइड किया गया है जिसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, जैसे कि एडवांस ब्लर का, इनहेंस का, एडवांस टेक्सचर्स वगैरह का है, यहाँ पे ब्लर का है, डार्क का, यहाँ पे सर्च बार का अलग स्टाइल दिया गया है जो कि आप बदल सकते हो, डबल टैप का आपको ऑप्शन मिल जाता है, अनलॉकिंग एनिमेशन दिया गया है। आइकन के अंदर आपको डॉक वाला फीचर्स देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि ये रहा जिसे हम ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे अरेंज आइटम की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलता है ये वाला ऑप्शन जो कि आईफोन से रिलेटेड है, फ्री मेमोरी कर सकते हो, रिसेंट कैसा होना चाहिए, थोड़ा बहुत टैप का छोटा बड़ा का भी ऑप्शन मिलता है, और फाइनली रिबूट लॉन्चर यानी रीस्टार्ट लॉन्चर जिससे आपके सारे सेटिंग अप्लाई हो जाएंगे जो कि आपने जो डाला है। तो यहाँ पे आप देखो कि अब यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है, अभी मैंने जस्ट रिसेंट क्लीन कर दिया था इसलिए सिर्फ दो ही टैब आपको ओपन दिखाई देते हैं, बाकी नोटिफिकेशन के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सिंपल सी चीज़ आपको देखने को मिलती है जो कि आप मैक्सिमम देखते आए हो। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन के अंदर सब कुछ वही है, लेकिन हाँ यहाँ पे डायनेमिक वॉलपेपर दिया गया है और ये हमारा प्रॉपर काम करता है, और कुछ लोग डिमांड करते भाई ये वॉलपेपर दे दो, तो मैंने ऑलरेडी अपने वॉलपेपर चैनल पर शेयर कर रखा है, आप वहाँ से निकाल सकते हो, तो बाकी लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में। बाकी यहाँ पे हम आते हैं AOD के ऊपर, तो यहाँ पे जो टाइमिंग मिलता है वो अनलॉक दिया गया है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पे आप सेम टू सेम या कस्टम वाला भी आप यूज कर पाओगे जो कि मैं सेम वाला यूज कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, लेकिन हाँ रोम स्मूथ फील कराता है, बट वही समटाइम जब आप रिबूट करते हो आपको स्लो फील होगा, जब आप रोम को फ्लैश करोगे तो कम से कम 1 डे का टाइम दो इसे थोड़ा सेटल होने के लिए, उसके बाद आपको इस रोम के अंदर स्मूथनेस देखने को मिलेगा, लेकिन मे बी समटाइम जब स्लो फील होता है ना तो काफ़ी इरीटेट भी होता है मन। बाकी यहाँ पे सुपर आइकन काम कर रहे हैं और साथ साथ विजेट्स वगैरह भी वर्किंग है जो कि मैंने अप्लाई कर रखा है, तो चाइना विजेट्स वगैरह भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आई नो कि आप लोग यहाँ पे कहने वाले हो कि भाई एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो कि 20 मई को गूगल ने एल लगा दिया है सभी कस्टमर यूजर्स का, कि वो चीज़ यहाँ पे फिक्स मिलती है नहीं, तो हाँ यहाँ पे आपका डिवाइस सर्टिफाइड मिलता है बाय डिफॉल्ट, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों ने पर्सनली, मैंने खुद ने भी जब फ़ोन के अंदर कुछ इशू आया था तो मैंने रिकवरी से प्रीसेट इमेज को फ्लैश किया था, उसे फ्लैश करने के बाद एक प्रॉब्लम आ जाता है हमारे डिवाइस के अंदर कि हमारे डिवाइस के अंदर डिफॉल्ट होता है TEA जो कि ये ब्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रोम अगर डिवाइस सर्टिफाइड है ऑफिशियली ना
तो भी आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलने वाला अगर आपका ब्रोक है तो। ये कैसे चेक होगा? तो एक मोमो नाम का एप्लीकेशन है APK, जो कि मैंने अपने क्लाउड चैनल पर डाल दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और देखो कि यहाँ पे ये दिखा रहा है या नहीं। अगर ये दिखा रहा है यानी आपका रोम अगर सर्टिफाइड है तो भी आपका है जो सर्टिफाइड शो नहीं करेगा। अगर आप कोई भी मेथड भी फॉलो करते हो ना रूट वगैरह का, तो भी आप फिक्स नहीं कर पाओगे सब कुछ वर्किंग पैच डालने के बाद भी। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, लेकिन जिनका ये ब्रोक नहीं है उनमें डिवाइस सर्टिफाइड आपको मिलेगा इस रोम के साथ। और यहाँ पे देखो मेल ओनर्स के अंदर यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब रही बात को भाई इसे फिक्स कैसे करना है, तो आप सोचोगे कि भाई हम अपने फ़ोन को फास्टबूट कर देंगे, बूटलॉक को रीलॉक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो जी नहीं। आप रीलॉक भी कर दोगे तो भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं होने वाला। मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा कि इस TEA को कैसे फिक्स करना है ताकि आप सेफ्टी नेट का बेनिफिट ले पाओ, चाहे वो रूट करके हो या सिस्टम डिफॉल्ट आपको रोम के साथ मिले तो भी। तो ये बहुत बड़ा लोचा है जो कि मैंने भी अपने साथ किया था और मे भी आपने भी कभी ना कभी किया होगा। तो एक बार इस एप्लीकेशन को डाल के चेक जरूर कर लेना। अगर आपका ब्रोक नहीं है तो ये डिवाइस आपको सर्टिफाइड शो करने वाला है। अब आते हैं बाकी टेस्ट रिजल्ट के ऊपर, क्या कुछ कैसे है। तो सिस्टम डिफॉल्ट इतना ही एप्लीकेशन मिलेंगे जो कि मैंने आपको दिखाया। डिवाइस के अंदर यहाँ पे गेमिंग में एक्स्ट्रा सेटिंग आपको मिल जाता है 120 अनलॉक। ये फर्स्ट डे का हमारा अनटूटो स्कोर, जो कि लैंडस्केप में फोटो क्लिक हुआ था तो बेकार आ गया। गीगबेंच भी ओवरऑल ठीक ही है जो कि आप देख सकते हो। और बैटरी ड्रॉप की बात करें तो ये है हमारा 55 के बाद मॉर्निंग में आता है 54, जो कि अच्छा खासा है। अनदर यहाँ पे 9 hours 30 minutes के स्टैंड बाई टाइमिंग पे 1% का बैटरी ड्रॉप है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट आपका मे बी 2-3% हो सकता है क्योंकि फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पुराना आ गया है, हो गया है, तो इसकी वजह से पर्सनली मेरा नहीं है। और ये सेकेंड डे का अनटूटो स्कोर और इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है और हीटिंग भी काफ़ी कंट्रोल है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ साथ यहाँ पे CPU टोटल नॉर्मल टेस्टिंग है, ना ही मैंने गेम ट्रो डाला ना ही बाकी कुछ। और यहाँ पे 193,000 मैक्स ओमिनियम, यहाँ पे 147,000 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मैं कहूँगा कि है, जो कि विदाउट गेम ट्रो का अगर ऐड करेंगे तो और भी इम्प्रूव होगा। साथ साथ फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिलता है जो कि अच्छी बात है, और कैमरा वगैरह हमारा काम करता है। साथ साथ L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चार्जिंग मैंने चेक किया 7 में 12% है, 26 मिनट में 36% है, जो कि ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। रही बात इसे डालना कैसे, तो वही नॉर्मल सा मेथड है, वाई फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट कर देना है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली और रोम काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, स्मूथनेस भी है। लेकिन सम टाइम जब भी आप इसे रिबूट करते हो तो आपको दिक्कत आती है स्लो वाली, तो 120 और 60 चेंज कर लेना ठीक हो जाएगा। और मे बी जब भी आप इसके लॉन्चर में आके जेस्चर्स को आप सेट करोगे, बटन या बटन से जेस्चर्स पे सेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जेस्चर्स पे आने के बाद भी छोटे छोटे बटन यहाँ पे दिखाई देंगे जेस्चर्स के जगह पे, तो उस समय आप अपने डिवाइस के बाद रीस्टार्ट कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी जैसे कि यहाँ पे हमारा बटन एक्टिवेट होने वाला है, देखो यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये छोटा सा लोचा है, लेकिन हाँ रिबूट के बाद सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे बटन नहीं आ रहा, अगर मैं रिबूट करूँगा तो बटन आ जाएगा। और यहाँ पे जेस्चर है तो जेस्चर अगर आता है नहीं, बटन आते हैं छोटे छोटे, तो भी आप रिबूट कर लेना सॉल्व हो जाएगा। ये छोटा सा लोचा है जो कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, कोई बिग नहीं है इशू, जो कि आप बस एक रिबूट पे ही ठीक कर पाओगे। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। और इसके पहले मैंने एक स्टॉक UI का भी रिव्यू किया है जो कि मॉडिफाइड है लेकिन फुल्ली स्टॉक वाला बेनिफिट देता है, तो उसे भी आप देख लेना और आप अपने मर्जी से डिसाइड कर लेना। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए तो उसके साथ जा सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन वगैरह चाहिए तो ये रोम आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब रही बात सेफ्टी नेट पास की, तो ये आप चेक कर लेना कि आपके डिवाइस के अंदर जो ये TEE ब्रोकन है या नहीं। अगर ब्रोकन है तो ये रोम डालने के बाद भी आपका सर्टिफाइड शो नहीं करेगा, अगर ये ब्रोकन नहीं है तो आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहेगा, तो आप मजे ले सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं जल्दी लेकर आऊंगा कि इसे फिक्स कैसे करना है किसी भी Xiaomi Redmi डिवाइस के अंदर। ओके, आज के लिए इतना ही सा था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम अप को जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम अप को होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टीरोल ऐप यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना। स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना। और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना या नहीं, तो वैसे मैं वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना। और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।